एंड देखते गए इसके अंदर से क्या निकलता है। आर यू रेडी? लेट्स गो। क्या निकला इससे? ल्यूनरस। ल्यूनरस कौन है भाई? फाइनली पहुंच चुका है, शायद से ना इसके आसपास जमीन में को देख रही है। भैया 40, ओ माय गॉड, यहाँ पे एक मेमोरेस्ट है जो कि बर्फीला मेमोरेस्ट है, एंड ये 41 लेवल का है। जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है एक और पैरेलल की वीडियो में। आप सभी को पता होगा कि लास्ट एपिसोड बहुत पहले आया था, एंड फिलहाल मैं आप सभी को एक बात बताता हूँ, आज का एपिसोड ना बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सबसे पहले बनाने वाले एक आर्मरी रूम, जिसमें ना ढेर सारे आर्मर्स होंगे एंड ढेर सारे वेपन्स होंगे। उसके बाद हम लोग अपग्रेड करने वाले अपने बेस को, उसके बाद हम लोग जाने वाले भाई एक्सप्लोर करने के लिए और भी जगह। एंड आप सभी को पता होगा लास्ट टाइम हमने एक ट्री देखा था, उस पर भी जाएंगे गाइस, मजा आएगा। एंड यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो अपन लोग बहुत ज्यादा क्लोज 2K सब्सक्राइबर्स के। तो सुबह हो चुके हैं, अपने को सबसे पहले बनाना गाइस एक आर्मरी रूम। वहाँ पे ना ढेर सारा आर्मर होगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पैल वर्ल्ड में ना आर्मर ज्यादा देर टिकता नहीं है। और वैसे हाँ गाइस, मेरे पास ना एक लार्ज कॉमन है, एंड इसको ना इंक्यूबेट होने में आधा घंटा लगने वाला है, एंड देखते गाइस इसके अंदर से क्या निकलता है। मेरे को तो यार मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ इसके लिए। तो मतलब यार कॉमन एग मैंने देखे, स्कॉर्चिंग एग देखे, डैम्प एग देखा है, और एक रॉकी एग देखा है, ये वाला नहीं देखा था भाई कभी। तो देखो गाइस, अगर मेरे को आर्मरी रूम बनाना है तो सबसे पहले तो मेरे को रूम रेडी करना पड़ेगा, जिसके लिए को चाहिए होगी ढेर सारी वुड। अब देखो वुड मेरे पास ना बहुत सारी है, पर यहाँ नहीं है 368 वुड। भाई भाई भाई, एंड फिलहाल मैंने एक टॉम्बैट भी छोड़ा था, तो उसने स्टोन माइनिंग करी है क्या? वो स्टोन नहीं माइन कर रहा गाइस, कहाँ गया टॉम्बैट, थक गया उसको, क्या हो गया भाई? हम लोग यहाँ पे ना भाई पहले तो यार ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं, इसमें बिल्ड ऐसे होता था ना। हाँ लेट्स गो। वैसे ना मेरे पास कुछ टेक्नोलॉजी पॉइंट्स भी है गाइस, एंड इससे हम लोग यार नई नई चीजें अनलॉक कर सकते हैं। और भाई मेरा आर्मरी रूम ना यहाँ बनने वाला है, ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा गाइस, लेकिन इसके अंदर ना ढेर सारा सामान पड़ा हुआ होगा। चलो दो लगा हुआ यहाँ पे, एंड अपना गाइस अपने को वॉल्स बनानी है, एंड ये रूम ना पैक्ड होगा, इसमें यार खिड़की वुड़की कुछ का सीन नहीं है भाई। परफेक्ट 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 परफेक्ट, लेट्स गो। गेट ही नहीं बनाया। अबे यार क्या कर रहे हो भाई, एक एक्स भी नहीं है, इससे तोड़ना पड़ेगा इसको, टूट जा भाई। लेट्स सी यहाँ से हम लोग जंप। यार अच्छा क्या यार, पैल वर्ल्ड में कैसे चढ़ बढ़ के भी तो जा सकते हैं भाई, क्या भाई मैं भी यार ऐसे कैसे नहीं टूटेगा इस पर। भैया मशीन गन चला देंगे अपन लोग, टूट भाई, अबे टूट जा यार, अबे टूट भाई। यार ये टूट ही नहीं रहा भाई, मेरे को पैक कर दिया भाई अंदर, क्या पता है कैसे ही टूटता है गाइस। एक काम करते हैं, इस आइडिया को ना थोड़ा ड्रॉप करते हैं, हम लोग ना किसी दूसरी जगह पे जाकर के आर्मरी रूम बनाते हैं। मैं क्या करूं भाई, वैसे ऐसा हो जाता है भाई, एकदम ब्रांड न्यू स्टार्टिंग गाइस। उस वाले क्लिप को मैं काट दूंगा ताकि आप सभी को पता ना लगे कि इससे पहले मैंने अजीब सा घर बनाया है। अच्छा गाइस, इसमें कोई डोर वोर नहीं होता क्या यार? वैसे ना मैंने देखा तो हुआ है, रुको एक बार ना मैं देखता हूँ, स्लाइडिंग डोर करके कुछ मैंने देखा था। हाँ ये आ गया वुडन गेट, लेट्स गो। मेरे पास ना गाइस एक ये वाला फ्रूट है, इसका नाम है फायर स्किल, इससे ना हम लोग यार अपने किसी भी पहल को फायर वाली स्किल दे सकते हैं। एंड मैं दूंगा पर अभी नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने नाइटविंग को दिया था, एंड मैंने ना रिकॉर्डिंग करने के बाद एडिटिंग के टाइम पे नोटिस करा था कि जिस ट्री से अपने को ये मिला था ना गाइस, उस ट्री पे एक और फ्रूट था, वो कोई स्नोमैन वाला, उसको मैंने लिया ही नहीं था। मतलब हाँ यार वो भी यार कुछ इंपॉर्टेंट सा ही लग रहा था। अभी कितना बड़ा गेट है यार। अभी गेट नहीं है क्या है? रुको ऐसे लगा दो यार एकदम आगे चिपका करके, रुको 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 रुको, यहाँ पे थोड़ा हल्का पीछे, डन लेट्स गो। अच्छा इसको बिल्ड करना पड़ेगा क्या? अगर मान लो कि इस गेट के पीछे से अंदर जाने का रास्ता हुआ ना गाइस, तो नहीं जा सकते क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या मतलब है? ओ भाई क्या गेट है भाई, चल बंद हो जा बंद हो जा बंद हो जा, बंद नहीं हो रहा क्या? ये अपना बंद होता है, अबे बंद कैसे होता है ये? चलो ठीक है लेट्स गो, ये हो गया बंद, ये हमारा सीक्रेट आर्मरी रूम है भाई। गेट इतना बड़ा, इतना बड़ा गेट भाई, कहाँ से आ गया यार तू? हो गया भाई ये हो गया, डन डन। देखो छत वत सब सब कुछ बन गया गाइस। ये पेनकिंग क्या मेरे को मारने आ रहा? नहीं मेरा पहले भाई, ऐसे कैसे मार? अच्छा ये टॉर्च बनाने आ रहा है, वाह। अबे तोड़ मत देना घर, इतना बड़ा हथौड़ा लेकर के आया भाई। चलो भाई अपना इतना सारा काम तो हो गया, एंड हॉट स्प्रिंग भी बन गया, तो यार गाइस अपना मिशन भी कंप्लीट हो गया, एंड अब हम लोग यार अपग्रेड। अच्छा मेडिकल मेडिसिन वर्कबेंच चाहिए ना अपने को, अपना ना काम धीरे धीरे करके कंप्लीट हो रहा है। लाइक मैं आप सभी को अगर बताऊं तो देखो यार, अपना सबसे पहला काम था मेरे को एक आर्मरी रूम बनाना है, जो कि यार बन ही रहा है, ऑलमोस्ट बन ही गया, मतलब समझ लो बन ही गया। मेरे को ना बस वहाँ पे यार खाना वाना जमा करना है, आर्मरी रूम में खाना कौन जमा करता है भाई? खाना नहीं जमा करना, मेरा मतलब है आर्मर वगैरह ला करके भरना है वहाँ पे। कि मेरे को एक चाहिए ये हीट रेजिस्टेंट पेल्ट आर्मर चाहिए, और एक पेल्ट आर्मर चाहिए, क्योंकि यही दोनों स्ट्रांगेस्ट है, एंड बाकी दोनों बनाना तो अभी बेवकूफ़ी होगी। और बाकी यहाँ पे 10 एंगर्स एंड एलिडियम फ्रेगमेंट से हम लोग पेंगुलेट नहीं, क्या नाम है इसका? पेनकिंग ना, पेनकिंग। चल भाई तू अब तेरा काम हो गया इस क्रशर में, समझा? अब तू बेटा जा यहाँ पे, चल काम कर। अबे ऐसे कैसे काम नहीं करेगा भाई, तेरे को यहाँ पे काम करना है, समझ रहे तू? हाँ चल अब काम कर। अबे फिर से भाग गया ये क्या है भाई?
मेरी बात नहीं मान रहा, मारो कोई इसको। अबे पेनकिंग भाई आलसी है यार। नहीं नहीं भाई पीछे ही खड़ा था बड़ा सा, मारेगा भी मेरे को। ठीक है यार, मेरे को ना वो मेडिसिन वर्क बेंच बनानी है, ऐसा करके कुछ था वो। ये रही गाइस वो वर्क बेंच, इसको लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग क्या उससे अपने पैल्स को ट्रीट कर सकते हैं या फिर अपने आप को कर सकते हैं, मेरे को नहीं पता। पर मेरे पास नहीं कुछ मेडिसिन पड़ी हुई है। ओह अच्छा, मैं समझा। मान लो किसी को अगर चोट लग गई है तो उसको मैं ऐसे हील कर। अच्छा तो मान लो अगर कोई पैल मतलब ऐसे बीच में कभी कभी मर जाता है यार, तो उसको हम लोग ऐसे हील कर सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। पर यार लार्ज एग का इंक्यूबेशन कंप्लीट हो गया, लेट्स सी गाइस क्या निकलता है इसके अंदर से। आर यू रेडी गाइस? 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। क्या निकला इससे? ल्यूनेरिस। ल्यूनेरिस कौन है भाई? पर देखो नाम तो ना बड़ा सही लग रहा है इसका। ल्यूनेरिस कहाँ है भाई? ल्यूनेरिस, ल्यूनेरिस, ओ ल्यूनेरिस कहाँ चली गई भाई? अबे क्या यार, मेरे पास ही आई है। और वैसे इसका अपग्रेड आ गया ना, अवेलेबल हो गया। लेट्स गो अपग्रेड करते हैं इसको। ओ भाई गाइस, अब यही मेरे को चाहिए था। देखो अब ना हम लोग यार मैक्स बेसिस पता है कितने बना सकते हैं? 2। मतलब अगर अपना एक पैल बॉक्स यहाँ पे है एंड एक पैल बॉक्स हम लोग कहीं और पे ले जाए एंड वहां पे बना दे तो वहां पे भी अपना बेस हो जाएगा। एंड इसका फायदा पता है क्या गाइस? अगर हम लोग किसी बॉस से फाइट कर रहे हैं ना, तो वहां पे अगर अपन लोग ना अपना पैल बॉक्स ऐसे बना करके ढेर सारे पैल्स बाहर निकाल देना गाइस, तो सारे के सारे पैल मिलके उस बॉस को मारेंगे भाई। मतलब ना यार कुछ नहीं कर पाएगा वो अपने, सीधी सीधी सी बात है। मेरे पास एक कॉमन है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं भाई। और फिलहाल तो मैंने आप सभी को वो वाला पैल दिखाया ही नहीं। ये देखो गाइस, ये है क्या नाम था इसका? ल्यूनेरिस। ये देखो, ओ भाई ये क्या कर दी क्या? ये लॉगिंग कर दिया क्या? ये स्वी को मार रही है, करना क्या चाह रही है? अच्छा ट्रांसपोर्टिंग करती है। मैंने इसकी अटैक वाली एबिलिटी देखना चाहता हूँ, पर उसके लिए ना इसको अपने को बहुत ज़्यादा मतलब मैक्स लेवल का करना पड़ेगा। मतलब जितने लेवल का मैं हूँ उतने लेवल का तो कम से कम करना ही पड़ेगा भाई। मैं 17 का हूँ ना, हाँ मैं 17 का हूँ, नहीं 16 है मेरी, मैं 17 का हूँ आई मीन लेवल के हिसाब से। तो मेरे को सबसे पहले चाहिए पैलेडियम फ्रैगमेंट, एंशिएंट सिविलाइजेशन पार्ट चाहिए होगा भाई मेरे को इसके लिए, इस मेगा शील्ड को बनाने के लिए, और ये बेल्ट आर्मर को बनाने के लिए लेदर एंड फ्लेम ऑर्गन। ऑलराइट ठीक है डन। तो देखो अभी अपना सबसे पहला टास्क है गाइस ढेर सारा लेदर लेकर के आना। एंड आई डोंट नो कि लेदर कहाँ से मिलता है, मतलब मेरे को तो बस इतना पता है कि पैल्स को मारो एंड लेदर मिल जाता है। पर मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि अपन लोग ना पैल्स को मारेंगे नहीं, उनको पकड़ लेंगे ताकि अपना लेवल भी बढ़ता रहे। और इसको अंदर रखो भाई, मैं ना 2-2 विक्सी बाहर निकालने वाला हूँ। एक 7 लेवल की विक्सी और एक 7 लेवल की विक्सी। लेट्स गो। ये लोग ना जाकर के पैल बॉल्स तो क्राफ्ट करते ही करते हैं, साथ में ये लोग एरोज भी क्राफ्ट करते हैं। तो देखो यार अभी अपने को सबसे पहला सामान चाहिए एंड उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा यहाँ से। एंड जैसा कि मैंने बोला था गाइस अपन लोग एक्सप्लोर करने भी जाएंगे, तो एक काम करते हैं अभी से ही निकल जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। नहीं तेरे पे बैठ के नहीं जाऊंगा, तेरे ऊपर बैठने का कुछ सीन नहीं है। एंड फिलहाल ना गाइस आप सभी को पता है हमने ना एक ऐसा पैल पकड़ा था ना जो कि लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड मैं ना एक वो बेड बनाना भूल गया हूं पैल का, इसको लगाते हैं यहां पे। एंड आप सभी को पता है लास्ट टाइम ना अपने को कोई ना एक कौवा जैसा कोई पैल मिला था, एंड वो ना बहुत गलत मारता है भाई। और ल्यूनेरिस को अपने साथ लेकर के चलते, ये ना यार काम आएगा। एक थर्ड ईयर को यहां पे अंदर रख देते हैं। एंड ये रहा गाइस वो वाला लेवल 15 का वैन वर्म। पर ना मेरे को इसकी एक दिक्कत लगी, इसने ना लास्ट टाइम अटैक नहीं करा था ये देखो, लेकिन इसकी लुक बहुत खतरनाक है भाई। ये देखो यार कैसा लगता है भाई। इस पे भी हम लोग बैठ के वैसे उड़ सकते हैं, पर यार मेरे पास अभी वो सैडल नहीं है। ये क्या इग्नाइट? अच्छा ये फायर वाला पहले गाइस जब सभी को पता है। चल भाई ठीक है, काम करे गाइस मैं ना इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ एंड अपने फॉक्स पार्क को अपने साथ ले चलता हूँ। मैंने किसके बदले इसको छोड़ दिया? नहीं थर्ड ईयर को यहीं पे रहने देते हैं। एक थर्ड ईयर भाई तू यहीं पे रहे, फॉक्स पार्क तू चलेगा मेरे साथ इसकी जगह पे। चलो ठीक है डन। अब जितना भी इग्नाइटिंग का काम होगा वो ये देख लेगा गाइस। और यार मैं टाइम पास करना बंद करता हूँ, अब मेरे को निकलना है भाई फटाफट से नाइटविंग को लेकर के यहाँ से। अब मेरे को ना उसी वाले पेड़ वाले लोकेशन पे जाना है। तो मैं ऐसे क्यों जा रहा हूँ भाई, मैं तो डायरेक्ट ऐसे पैल बॉक्स से जा ही सकता हूँ। अपने को ना यहाँ पे जाना है। ये देखो नहीं यहाँ पे नहीं भाई, अपने को यहाँ जाना है। लेट्स गो। एंड यहाँ पे ना यार बहुत तगड़े तगड़े बेसिस सिंडिकेट थग्स के, एंड वो लोग ना यार बहुत गलत मारते हैं भाई। लेट्स गो जल्दी जल्दी से इसको उड़ाते हैं गाइस। एंड ऊपर ऊपर से मैं चला जाऊंगा क्योंकि यार नीचे ना यार यहाँ पे एक पैल बेस है जो कि मतलब उनका बेस है भाई सिंडिकेट थग्स का, वो लोग ना बहुत बुरा मारते हैं। और वैसे एक सेकंड रुको। अबे ये गुस्सा क्यों हो जाता है भाई मेरे को देख के, ये ना थोड़ा सा पागल है गाइस। रुको अब इसको ना एक बार दूर वाला अटैक मारते हैं अपन लोग। लेट्स गो। बच गया। ऑलराइट उड़ा दिया मैंने उसको। जल्दी जल्दी से नाइटविंग निकालते हैं, बैठते हैं इसके ऊपर एंड चलते हैं भाई यहाँ से। एंड आप सभी को पता होगा ऊपर ना ढेर सारे बैम्बू के रहते हैं, वहीं पे एक बॉस भी है जिससे अपनी फाइट हुई थी लास्ट टाइम, एंड बहुत बुरा मारा था उसने अपने को। मतलब ना यार मेरी लिटरली भाई लेफमंग की गोली ना उसको भाई एक एक का डैमेज दे रही थी। मतलब हाँ भाई इतना खतरनाक है वो। इस गेम की ना जगह बहुत ज्यादा सुंदर होती है भाई सच में। ले भाई रेस्ट कर ले नेमेसिस। नेमेसिस क्यों बोल रहा हूँ भाई इसको मैं? वाह भाई नाइटविंग को नेमेसिस बोल रहा हूँ। नेमेसिस वैसे भाई उस मॉन्स्टर का नाम है जो कि रेसिडेंट एविल 3 में अपना जीना हराम कर रखा है उसने भाई। चलो ठीक है अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। उस पेड़ में कुछ तो ऐसा है भाई, इसलिए भाई वो इतना बड़ा पेड़ भाई अलग से एकदम बना दिया है भाई वहाँ पे, वरना वो भी एक नॉर्मल वाला ही पेड़ रहता। और यार मैं ना ये कौन सा पहले, ये कोई अलग पहले ना भाई, ये कैटिवा नहीं है? नहीं ये कैटिवा नहीं है, ये कैटिवा है क्या? ओ भाई कौन सा पहले भाई, ये कुछ तो अलग है। रुको 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 नाइटविंग उतरना जरा भाई, एंड तू इन लोगों को नहीं मारेगा मेरे को बता दो, इन लोगों को जिंदा मार देगा। क्या नाम है इसका? रिबनी। अच्छा ये बनीज है गाइस, इनका रिबनी कर दिया क्योंकि इनमें रिबन बांध दिया इन्होंने। चल भाई आजा फटाफट, वहां पे 2-2 डायनोसॉर है। वो एस्केप कर गई वो। सस्ती सी तो पहल है भाई, एस्केप कैसे कर रही है भाई तू? अबे कितना जल्दी जल्दी भाग रही है भाई ये।
ये ले भाई, आ जल्दी, पागल गई की। अगर इस बार भागे नहीं फिर से मारूंगा इसको मैं। वहाँ पे फॉक्स पार्क है गाइज, हम लोग यार ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं उस वाले ट्री पे यार। ये नाइटविंग बे मतलब मैं किसी को क्यों मारता है गाइज। फिलहाल यार वो रहा, वो वाला पेड़ कहाँ गया? हाँ वो रहा भाई, चल भाई बैठा मेरे को, जल्दी लेकर के चल। वो देखो गाइज, पहली बार इसको इतना क्लोज से देखा हमने शायद से, क्योंकि इसके पहले हम लोग यहाँ तक इतना दूर तक नहीं आए थे भाई। लेट्स गो, अब नाइटविंग गिरेगा भाई, कोई बात नहीं, आराम कर ले थोड़ा सा तू। हम लोग ना नाइटविंग के अटैक को चेंज कैसे कर सकते वो मेरे को आप लोग कमेंट करके बताना भाई, क्योंकि इसको ना मैंने एक फायर वाली एबिलिटी दी थी एंड वो ये यूज नहीं करता। मतलब इसकी और भी एक दो एबिलिटी शायद से अनलॉक्ड है, पर हमने उसको इक्विप नहीं कर रखा है। अब एक बार में पांच छह एक साथ तो हम लोग इक्विप नहीं कर सकते। फिलहाल गाइज ये है वो बड़ा वाला पेड़, माय गॉड भाई, लेट्स गो गाइज, हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। वो पानी के बीच, वाओ भाई वो पानी के बीच में, वो कुछ तो एपिक है भाई, वो जो भी है ना वो कुछ तो है भाई। चलो भाई ठीक है, इसको ऐसे खोलते हैं। वहां तक जाने के लिए अपना नाइटविंग क्या केपेबल है, या फिर मेरे को पानी में उतार देगा ये? नहीं मेरे को लगता नहीं है ये जा पाएगा उतनी दूर, मेरे को ना वहां से थोड़ा घूमना पड़ेगा भाई। पर तब तक हम लोग ट्राई तो कर ही सकते हैं। ओ वाओ ये पानी पे नहीं थक रहा, वाओ गाइस लेट्स गो, तब तक हम लोग इजीली पहुंच सकते हैं भाई वहां पे। चलो भाई अब क्या ही कर सकते हैं यार, बकवास करते करते बात करते करते कैसे कैसे कर करके हम लोग यार फाइनली पहुंच चुके हैं। शायद से ना इसके आसपास जमीन मेरे को देख रही है, थोड़ी थोड़ी तो दिख रही है भाई, एंड ये काफी खुशी की बात है अगर इसके पास फास्ट ट्रेवल नहीं हुआ है ना गाइस मैं रो दूंगा गाइस। इस पेड़ के अंदर ना यार छेद है जहां से ना ब्लू कलर की लाइट निकल रही है, एंड गाइस इस वीडियो पे ना 10,000 लाइक करो एंड यहाँ पे अपन लोग अपना ना बेस बनाएंगे, या 10,000 लाइक करो यहाँ पे अपन लोग अपना बेस बनाएंगे, मजा आएगा। यहाँ पे भी कोल्ड है क्या? अच्छा यहाँ कोल्ड नहीं है भाई, वहाँ कोल्ड था बस। और वो व्हाट द हेल, ये क्या वर्ल्ड, अबे ये वर्ल्ड बॉर्डर है छी, इसके लिए मैं यहाँ पे, अबे यार ये वर्ल्ड बॉर्डर है यार, छी 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 छी, ये क्या कर दिया भाई मैंने, ये क्या किया मैंने भाई, इतना सारा टाइम वेस्ट करके हम लोग ये करने आए थे यहाँ पे वर्ल्ड बॉर्डर देखने। इस पेड़ से मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी भाई, 10,000 लाइक पे यहाँ पे हम लोग बेस बनाने वाले थे, लेकिन अब तो लगता नहीं कि 10,000 लाइक होंगे। वर्ल्ड बॉर्डर का क्या पता क्या ही सीन हुआ भाई, मेरे को समझ नहीं आया यार। अब कम से कम इस पहाड़ के ऊपर एक फास्ट ट्रैवल मिल जाए मेरे को, वर्ल्ड मॉडल निकला भाई वहाँ पे लिटरली भाई, मैं कितना भाई बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा करके आया था भाई मैं यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं उस वाले पहाड़ के पास, एंड यहाँ से ना अपना नाइटविंग ऊपर जा पाएगा कि नहीं मेरे को कंफर्म नहीं है भाई। एंड ये आ गए गाइस हम लोग एक आइस वाले माउंटेन पे, एंड यहाँ पे भी ना एक बॉस, ये बॉस ये कौन सा पैल है भाई, लेवल कितना है इसका? 36 लेवल, सिबेली नाम है इसका। अगर एक बार मैं इसके हत्थे चढ़ गया ना, उसके बाद ये क्या पता मेरे को कहाँ ही चढ़ा देने वाली है। नाइटविंग देख उस पर गुस्सा होकर अटैक नहीं करना था, बस वो मेरे पीछे ना पड़ जाए, मेरे को ना ऐसे भाग ही लेना चाहिए, वरना मेरे डबल से भी ज़्यादा लेवल के है भाई 36 के भाई, मैं 17 का हूँ, डबल भी करो तो 34 ही होता है भाई। क्रायोलिंक्स नाम है उनका। ओह माय गॉड भाई ये भी बॉसेस है भाई, ये पहाड़ पूरा बॉसेस से भरा हुआ है भाई क्या है भाई, और कोई बॉस तो नहीं है ना यहाँ पे? और वो भी दो दो बॉस, एक नहीं एक साथ दो दो है भाई। एस्ट्रल माउंटेन्स, ऑल राइट, एंड यहाँ पे एक बॉक्स है देखो, ये ना ये मतलब स्नो वाले बायोम का बॉक्स है, तो आपको यहाँ पे कुछ अच्छा मिले। गीगा स्पेयर, हाइपर स्पेयर, ओ माय गॉड ये कुछ तो है भाई, गीगा स्पेयर है मैं ना एक काम करूँ गाइस, वो जो बॉस है उसको मैं इसकी गोली से मारूँ लिफमन की, मैं ख्याल से ना वो बहुत मारेगा मेरे को फिर वापस क्योंकि यार पता है आप सभी को एक 23 लेवल का बॉस था भाई, उसको हम लोग मारने गए थे कुछ टाइम पहले अभी, मतलब लास्ट एपिसोड में गए थे, एंड उसको ना यार मेरा लिफमन भाई लिटरली एक एक का डैमेज दे रहा था, एंड अगर ये लेवल 30 नाइटविंग नहीं वापस हीरा भाई क्रायोलिंक्स माय गॉड मेरे को ओ मेमोरेस्ट क्रिस्ट ये क्या है भाई मेमोरेस्ट क्रिस्ट ये भाई 40 ओ माय गॉड यहाँ पे एक मेमोरेस्ट है जो कि बर्फीला मेमोरेस्ट है, एंड ये 41 लेवल का है, ये भी बॉस है ये पहाड़ है कि बॉस का पहाड़ है भाई, ये बॉस का ही पहाड़ है यार, ये बहुत गलत मारेंगे भाई लोग, मैं ऐसे भाग जाता हूँ भाई आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। एक मैंने एक मैक्स सबसे मैक्स लेवल का स्पेयर कौन सा होता है वो भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, मेरे को नहीं पता है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर से बताना। एंड यहाँ पे किसी का स्टैचू है क्या, फिर वो पहाड़ ऐसे अजीब सा क्यों लग रहा है मेरे को, गेम का ग्लिच है या फिर कुछ है? वो यहाँ पे किसी डायनासोर का स्टैचू है भाई, आई मीन वो कंकाल है कंकाल। मैंने ऐसे जमीन वमीन पे देख करके चलता हूँ, अगर रिकॉर्ड और ऐसी वाली चेस्ट मिल गई ना जिसपे हाइपर स्पेयर की गा स्पेयर सब मिल गया भाई, मजा आ जाएगा। ये सब नया थोड़ा मस्त वाला तगड़ा सामान है भाई ये सब। चलो भाई फाइनली एक फास्ट ट्रैवल मिला है, अनलॉक कर भाई इसको। यहाँ सब लोग ना सीधा भागने वाले अपने घर, मैं यहाँ पे इतना मार पिटाई करके आया हूँ एंड ये लोग यहाँ पे नहा रहे हैं डायनासोर क्या कर रहा है भाई, अभी नहा भी नहीं रहे सो रहा है अंदर जा करके
नाच भी रहा है भाई, ये क्या कर रहे हैं यार लोग। यहाँ के लोग ना यार लिटरली पागल लोग हैं। गाइस एक रेड हो गई अपने बेस पे, रुको। एंड हाँ यार, मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूँ कि यार आज ना मैं वो नहीं बना पाऊंगा आर्मरी रूम। मतलब रूम तो मैंने बना दिया, पर उसके लिए आर्मर वगैरह मैंने अभी कलेक्ट नहीं करे। और गाइस यार, वो जो मेरे को फ्रोजन एग मिला है ना, मैं ना उसको ले जाकर के अभी डाल देता हूँ भाई एग इनक्यूबेटर में। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे भाई इसमें क्या मिलता है। और वैसे ना गाइस सॉरी, आई एम सो सॉरी भाई, मैं ना आज यार वो आर्मरी वाला रूम नहीं बना पाऊंगा। एंड यार नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में अपना मेन काम ही वही रहेगा भाई, वही बनाना। सो आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरे को पता मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, बस मैं एक्सप्लोर करने गया था एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें करी है। सो मैं मिलता हूँ गाइस सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार स्टे ऑसम, स्टे ट्यून्ड एंड कीप ग्राइंडिंग।